नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस आप सभी का स्वागत करता हूँ नेचुरोपैथ चिकित्सा के अंतर्गत। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे गुरुजी हैं, तो आप सतना मध्य प्रदेश से पधारे हैं और उदर विकार के कारण मैं आपको, जैसे उदर विकार हो या ना हो, कई बार ऐसा होता है जिसे हम लोगों ने क्या है प्रकृति का साथ छोड़ दिया है तो शरीर में नाना प्रकार की व्याधियाँ आने लगती हैं। आलस्य आना, पेट में मरोड़ होना या पेट संबंधी अन्य विकार होना, कब्ज बनना, गैस बनना, भोजन ठीक से ना पचना, लीवर और किडनी में कोई ना कोई समस्या आ जाना, तो जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं पेट से संबंधित, रक्त को प्योरीफाई करना, ये सारे काम किसके हैं? मिट्टी के हैं। आपने देखा होगा पुराने समय पर लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को भी मिट्टी में छोड़ देते थे, खूब खेलते थे। आज भी अगर आप देखें गांव के वह बच्चे जो मिट्टी से सने रहते हैं और मिट्टी में खेलते हैं, वो अपेक्षाकृत उन जगहों के बच्चे जो संगमरमर पर रहते हैं, टाइल्स पर रहते हैं, उनकी अपेक्षा कम बीमार पड़ते हैं। कारण क्या है? कारण है कि मिट्टी जो है शरीर के अंदर के विजातीय तत्व को अवशोषित करके उसको नष्ट कर देती है। आप देखें कि मिट्टी के अंदर एक स्वाभाविक गुण होता है कि आप किसी भी प्रकार की गंदगी को मिट्टी पर डालें तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में या कुछ ही घंटों में या कुछ वर्षों में, जैसी जिसकी प्रकृति है उसके अनुसार मिट्टी जो है उसको विखंडित कर, अवशोषित कर और उसको नष्ट कर अपने आप में मिला लेती है। तो मिट्टी के अंदर एक अद्भुत शक्ति है कि किसी भी चीज़ को स्वयं में मिला लेना और उसको ख़त्म कर देना। ठीक उसी प्रकार से पेट के अंदर की जितनी भी व्याधियाँ हैं उन सभी व्याधियों को ये मिट्टी अवशोषित करती है। तो यहाँ पर जो मर थेरेपी दी गई है तो जानी और अनजानी, जिनको हम नहीं जानते हैं, मतलब चिकित्सक या वैद्य जिस चीज़ को परीक्षण करके ना पहचान पाए कि ये किस रूप में व्यक्ति परेशान है, उसके लिए भी मड थेरेपी जो है बहुत ही उत्तम कार्य करती है। तो कैसे कार्य करती है ये मैंने आपको बता दिया, अब इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि बहुत दूर के नहीं आ सकते हैं, वो चाहते हैं कि हम घर पर इसका प्रयोग कर लें, तो कैसे किया जा सकता है? एक आसान सा तरीका हम बताते हैं। देखिए वैसे आयुर्वेद में जो वर्णन है, प्राकृतिक चिकित्सा में जो वर्णन है, वो कम से कम 6 फीट गहराई की मिट्टी लेनी चाहिए, परंतु हम क्या करते हैं, जैसे 6 फीट गहराई खोद कर मिट्टी निकालना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। तो कहीं अगर समरसेबिल हो रहा है, बोरिंग हो रही है, तो अपने गाँव क्षेत्र में पता लगाए रखते हैं वहाँ पर। अच्छा, जितनी गहराई की मिट्टी लेंगे उतनी ज़्यादा पावरदार होती है। तो मैं उस जगह की मिट्टी लेता हूँ जो बहुत ही सुंदर सी मिट्टी होती है और ज़मीन के कम से कम 30 फीट 40 फीट गहराई की मिट्टी और भी ज़्यादा पवित्र और अच्छी होती है फिर वो। तो उस मिट्टी को हम ले लेते हैं जो बोगी कम से कम 30 फीट गहराई की हो, और उसके बाद में क्या होता है, एक वो समय आता है जहाँ पर पानी निकलता है 80 फीट 90 फीट 100 फीट पर, तो उस समय पर जो बालू आती है उस बालू को ले लेते हैं। तो दो हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा बालू का, तो उस हिस्से को आप मिलाइए और सुखाने के लिए डाल दीजिए, जो खूब सूख जाए। तो वर्णन तो यह है कि 40 दिन सूखे ना 40 दिन, तो कम से कम 30 दिन एक महीना सूख जाए मिट्टी को, कूट कर आप बोरी में रख लीजिए। अब वो आपकी तैयार मिट्टी है। चाहें तो अब और भी ज़्यादा उसको पावरदार बनाना है पेट के लिए, तो आप जैसे जिस समय पर इसको भिगोएं तो 12 घंटा पहले भीगनी चाहिए, ज़्यादा भी भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कई दिनों तक भीगती रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। भिगोते समय बकायन, नीम, करेला, सहजन, आम्र, जामुन, इनके अगर रस में, रस का मतलब है इनकी पत्ती का रस, या पत्ती को पहले पानी में भिगो दें 6 घंटे, फिर उस पानी को छानकर उस पानी में मिट्टी भिगोएं, तो वह मिट्टी औषधीय गुणों से युक्त हो जाती है। यद्यपि ऐसे भी मिट्टी कार्य करेगी, लेकिन जब औषधीय गुणों से युक्त जल में आप मिट्टी को भिगोएंगे तो वह मिट्टी और भी ज़्यादा दिव्य हो जाती है। उस मिट्टी का जो लेप होता है वो चमत्कारी लाभ देता है। ये तो हो गया मिट्टी कैसे तैयार करनी है। अब मिट्टी को रखने का तरीका, कम से कम 1/2 इंच या 1 इंच मोटा, देखो अब मेरे जो है ये 1 अंगुल मोटी परत है मिट्टी की, 1 अंगुल मोटी परत मिट्टी की होनी चाहिए और कम से कम 30 मिनट से अधिक हो, है ना, 30 मिनट से ज़्यादा रखनी चाहिए और 45 मिनट तक लगभग, जितने 50 मिनट, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, तो इतनी देर रखना पर्याप्त रहता है। तो 35 से 45 मिनट ये उत्तम समय है, इस बीच में आप इसको मिट्टी को हटा लीजिए। इसके बाद में तुरंत स्नान न करके थोड़ा 10-15-20 मिनट के बाद में लगाएं,
अगर अच्छा मिट्टी कितनी गीली हो, आप देख रहे हैं थोड़ा सा चटक रही है, तो कहने का मतलब मिट्टी इतनी हो कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और ऐसी भी नहीं कि सब बह जाए, तो मक्खन जैसी मुलायम बढ़िया सी मिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह की मिट्टी का आप प्रयोग करें तो शरीर की व्याधियों को ये नष्ट करता है। हमारा वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करिएगा कि पेट की नाना प्रकार की जो व्याधियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, उनको नष्ट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए ये वीडियो बहुत कारगर रहेगा। जिनको ये वीडियो मिल जाएगा उनका किसी न किसी रूप में कल्याण होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़िएगा, प्रकृति से जुड़िएगा, आयुर्वेद से जुड़िएगा और अपने आप को निरोगी रखिएगा। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। वंदे मातरम।